जो भी यहाँ पर अब तक संघ का पैसा नहीं भर सकते हैं उनको हम कहना चाह रहे हैं कि आज से एक रुपया भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को इस तरह से डराया जा रहा है कि अगर आप संघ का पैसा नहीं भरेंगी तो आपका आधार कार्ड बंद होगा, राशन कार्ड बंद होगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। हर मोहल्लों में जो ग्रुप के लीडर्स बनकर जो खवातीन बैठे हुए हैं, मैं उनको इस वीडियो के जरिए वार्न करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं उस पर बाज आइए, वरना आप लोगों के ऊपर एफआईआर होने तक हम छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से आज तिम्मापुरी सर्कल से डीसी ऑफिस तक ये जो एहतजाज रखा था, इसकी वजह यह है कि माइक्रो फाइनेंस जो संघ के नाम पर हर गली, हर शहर, हर मोहल्लों में एक फितना फैला हुआ है संघ के नाम से। इसकी जो है महिलाओं को इसका शिकार बनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ये जो आज एहतजाज यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसका मकसद ये था कि जितनी भी खवातीन संघ से पैसा लिए हैं उसमें से कुछ लोग भरने की ताकत रखते हैं वो लोग भर रहे हैं, जो लोग भरने की ताकत नहीं रखते ऐसे खवातीनों को टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली उनको जो है ना हैरेसमेंट किया जा रहा है। किस तरह से आप देखिए कि ये लोग जब पैसा नहीं भर सकते तो माइक्रो फाइनेंस जो संघ चला रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर आरबीआई के गाइडेंस हैं कि वो लोग घरों तक जाकर जो है हैरेसमेंट करके अपना इंस्टॉलमेंट नहीं मांग सकते हैं। अगर कोई नहीं भर रहा है तो उसके ऊपर आप लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उनको नोटिस भेज सकते हैं। आप लोगों के ऊपर भी कानून है, आपको भी पूछने वाले हैं। जो ये खवातीन हैं ये लोग अनएजुकेटेड हैं, इनको कानून नहीं मालूम। इन लोगों को इस तरह से डराया जा रहा है कि अगर आप संघ का पैसा नहीं भरेंगी तो आपका आधार कार्ड बंद होगा, राशन कार्ड बंद होगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को इंस्टॉलमेंट या स्कॉलरशिप नहीं आएंगे और दीगर कई धमकियां उनको दी जा रही हैं। और साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे भी जो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस के जो रिकवरी एजेंट हैं और ख़ासकर जो हर मोहल्लों में जो ग्रुप के लीडर्स बनकर जो खवातीन बैठे हुए हैं, मैं उनको इस वीडियो के जरिए वार्न करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं उस पर बाज आइए, वरना आप लोगों के खिलाफ तो यहाँ पर कंप्लेंट दी गई है, आप लोगों के ऊपर एफआईआर होने तक हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज़, आने वाले दिनों में तमाम महिलाओं से ये गुजारिश की जाती है कि नए संघ जो भी अगर महिला में बिठा रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो नंबर्स दिए गए हैं उस पर कॉल करके हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और जो भी यहाँ पर अब तक संघ का पैसा नहीं भर सकते हैं उनको हम कहना चाह रहे हैं कि आज से एक रुपया भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक यहाँ पर पुलिस कमिश्नर और डीसी ये तमाम माइक्रो फाइनेंस वालों को बुलाकर स्ट्रिक्टली वार्न नहीं करेंगे तब तक इसका मसला हल नहीं होगा। और जो कोई भी खवातीन अब तक इनके दबाव में आकर सुसाइड करी हैं, उन जिसके धमकाने पर यह सुसाइड हुआ है उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उन लोगों को जेल भेजना चाहिए जब तक एक रुपया भी भरने की ज़रूरत किसी को नहीं है। यहाँ हम लोग ये एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज करके घरों में बैठने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने एक टीम बनाई है, टीम को बनाकर टीम के दायरे में रहकर हम लोग काम करेंगे। एक नंबर से आपको इसमें दिए जाएंगे, एक टीम हमारी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। ये सिर्फ गुलबर्गा सिटी का मामला नहीं है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तमाम तालुकों में भी जो है ना हम एक टीम बनाकर काम करेंगे। आज इस एहतजाज में सिर्फ गुलबर्गा के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा सेड़म, चितापुर, वाड़ी, शाहबाद और दीगर तालुकों से देहातों से लोग यहाँ पर आए थे, एक उम्मीद से कि उनको यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा। और सबसे शर्म की बात यह है कि यहाँ पर जो खवातीन इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकती उनको यहाँ पर जिस्म बेचकर लाकर इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए भी फोर्स किया जा रहा है। और दूसरी बात, उनको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनके कानून हैं, जो भी मर जाएंगे उनका ही जो है ना माफ़ होगा, जो मर जाएंगे उनका सिर्फ इंस्टॉलमेंट नहीं पूरा खर्च माफ़ किया जाएगा, अगर आप नहीं भर सकते तो आप मर जाओ। इस तरह से उनके ऊपर जो है ना परेशान किया जा रहा है, शराब पीकर रात में आकर उनके घरों पर बैठा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने मेमोरेंडम के जरिए कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीसी मैडम को मिलकर हम लोगों ने ये मेमोरेंडम दिए हैं, उनसे मुतालिबा किया है कि आप लोग इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। ये तमाम जो भी खवातीन को देने वाले जो माइक्रो फाइनेंस हैं ये बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? जो खवातीन घर में बैठी हैं, जो काम धंधा नहीं करती, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ऐसे लोगों को किस बेसिस पर लोन दिया जा रहा है? सिर्फ एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड लेकर जब दो दिन में अगर इनको लोन मिलता है तो छोटी छोटी बातों पर ये लोग लोन उठाएंगे, बाद में जब भरने को मुश्किल होगी तो सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं। मर्द काम पे जाते हैं, मर्दों के पास इनकम आती है, मर्दों को लोन दो। ये लोग क्लियरली बोलते हैं हम आदमियों को लोन नहीं देंगे, औरतों को देंगे, क्योंकि उनको पता है औरतों को कहीं भी इस्तेमाल करके वो पैसा वसूल कर सकते हैं और औरतें इस्तेमाल हो भी रही हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, हम इसके ऊपर काम करेंगे और जब तक ये मसला हल नहीं होता इसको हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं।